नमस्कार, ये डेंगू गम का आगा कंपोस्टर है। आप एक दिन में इसमें 20 केजी तक का वेस्ट डालकर कंपोस्ट कर सकते हैं। इसको अपार्टमेंट, स्कूल और ऑफिस में कल करके कंपोस्टिंग कर सकते हैं। आगा के साथ में ये सब मिलता है, कोकोपेट, ड्रम्स, बॉल्स, रेक्स, हैंड ग्लव्स, टार्पोलिन शीट और छोटा बकेट और स्कूप। चलिए आपको आज दिखाते हैं कि इसमें कंपोस्टिंग कैसे करते हैं। आप इसको सोसाइटी के कंपाउंड में, टेरेस में, गार्डन में, किधर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। धूप और बारिश से कोई तकलीफ नहीं। अभी इंस्टॉलेशन के समय पे पहले बेस रखना है, उसके बाद में आगर को उसके ऊपर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के समय पे आपका बाजू सामने की तरह रहना चाहिए, जिससे लीचर्स कलेक्शन अच्छे से रहो। अभी हम आपको आगा का अंदर का पार्ट दिखाते हैं। ये टावर है और उसका चार रॉड्स है। ये टावर कंपोस्ट के ब्रीथिंग के लिए मदद करता है। यहाँ पर हार्वेस्टिंग के लिए डोर है और इसके ऊपर का वो प्लास्टिक शीट है। यहाँ चेक कीजिए कि प्लास्टिक शीट सही ढंग से है कि नहीं, ताकि फोल्ड ना हो, नहीं तो दरवाजे से लीचर्स लीक होने का चांसेस बहुत है। डिलीवरी का समय ये ब्रीथिंग टावर पोजीशन हट सकता है, इसके लिए उसको जरा चेक करके सही ढंग से उसको पोजीशन पे रख दीजिए। इनको उठा के सही ढंग से उसको पोजीशन पे फिक्स कर दो। सबसे पहले हम लोग टैप को फिक्स करेंगे, जिससे हम लोग लीचर्स को कलेक्शन कर सकते हैं। ये अभी ऑन है, इसको ऑफ किया जाता है, इसको ऑन किया जाए, जिससे नीचे कलेक्शन किया जाता है। आगा का बेस में दो बकेट में सूखा पत्ता डालेंगे, फिर उसके ऊपर आधा बकेट कोकोपीट को फैलाएंगे। इससे क्या होगा, जो लीचर से टैप के द्वारा अच्छे से फिल्टर होके आ गए। दो बकेट में सूखा पत्ता डालेंगे, उसको सही ढंग से फैलाने के बाद फिर उसके ऊपर आधा बकेट कोकोपीट को फैलाएंगे। अगर आपके पास सूखे पत्ते उपलब्ध नहीं है तो आप पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नीस पेपर को इस तरह निचोड़ के डालना चाहिए। ऐसे दो बकेट न्यूज पेपर को डालना चाहिए और उसके ऊपर आधा बकेट कोकोपीट डालना चाहिए। अभी हमारा आगा तैयार है, इसमें हम गीला कचरा डाल सकते हैं। एक जोड़ी आगा में 25 परिवार मिलके खाद बना सकते हैं। आपकी जितनी जरूरत होगी उतना आप आगा डाल सकते हैं। भारत भर में 8,000 से ज़्यादा सोसाइटी हमारे आगा में खाद बनाते हैं। एक जोड़ी आगा से हर साल 6,000 से ज़्यादा किलो कचरा लैंडफिल्स में जाने से बच जाता है। आइए आप ही इस परिवार में शामिल हो जाइए। अपने आगे को घर लाने के लिए हमें संपर्क कीजिए।